हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये हमारा डक्टेबल यूनिट है, आप लोग देख पा रहे होंगे। इसका आज मैं पूरा वायरिंग डायग्राम बताऊंगा कि थर्मोस्टेट से कैसे इंडोर में जाता है, इंडोर से आउटडोर में कैसे जाता है। आप लोग हमारा पूरा वीडियो को देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और नए दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी सीख सके। तो दोस्तों, पहले हम लोग इंडोर से स्टार्ट करते हैं, इंडोर से वायरिंग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे आर और आरसी दोनों लूपिंग रहता है दोस्तों, ऐसा ही। और दोस्तों, जो वाई रहता है ये हमारा दोस्तों कंप्रेसर के लिए जाया गया रहता है। ये सिंगल कंप्रेसर डबल सर्किट का जो कंप्रेसर आता है वो वाई वन पे लगता है। और सी जो रहता है दोस्तों वो न्यूट्रल आता है, और जो आर आता है वो फेस आता है दोस्तों। तो इसमें जो आउटडोर में ट्रांसफार्मर लगा रहता है दोस्तों, वहाँ से इसमें आता है दोस्तों थर्मोस्टेट में। थर्मोस्टेट से आउट होकर ये जो आप देख पा रहे होंगे डब्ल्यू है, ये हीटर के लिए होता है दोस्तों। जब हम लोग हीट मोड कूल मोड चालू करते हैं तो उसके लिए जाता है, तो ये डब्ल्यू पे सप्लाई छोड़ता है तो हीट मोड में चालू हो जाएगा। और जो जी है दोस्तों ये हमारा इंडोर ब्लोअर मोटर के लिए जाता है। और जो डब्ल्यू टू है दोस्तों ये हमारा हीटर दो नंबर के लिए जाता है। और वाई टू है दोस्तों ये हमारा कंप्रेसर दो नंबर के लिए जाता है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये इंडोर यूनिट है, डक्टेबल यूनिट का इंडोर यूनिट है दोस्तों। इसमें ये वायर आया हुआ है जो पहले आउटडोर से इंडोर में आया हुआ है, इंडोर से थर्मोस्टेट के इधर गया हुआ है दोस्तों, थर्मोस्टेट से फिर से इधर आया हुआ है इंडोर में। उसके बाद एक कॉन्टेक्टर गया है, कॉन्टेक्टर पुश होगा तो ये ब्लोअर मोटर ऑन होता है ऑफ होता है। जो जी वायर आया हुआ है दोस्तों ये कॉन्टेक्टर के लिए आया हुआ है। जो वाई आया है वो आउटडोर में जाएगा दोस्तों, वो कंप्रेसर को ऑन ऑफ करेगा इसके लिए। और उधर से जो आर और सी में आया रहता है वो उधर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, देख पा रहे होंगे दोस्तों इधर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है इसके। तो दोस्तों ये ट्रांसफार्मर से जो आर सी में वायर गया हुआ है ये यहाँ से गया हुआ है, ये 24 वोल्ट गया हुआ है यहाँ से। उधर से दोस्तों जब ये आया हुआ है, जो वाई आया हुआ है वो कंप्रेसर के लिए आया हुआ है दोस्तों। कंप्रेसर और कंडेंसर फैन एक ही साथ चलता है दोस्तों, इसमें दोनों का कनेक्शन सेम दिया है, एक ही साथ में दिया है दोस्तों। तभी जो आप देख पा रहे होंगे हमारे पास कंप्रेसर है, कॉन्टेक्टर है, आर्डुइनो एक ट्रांसफार्मर है और एक कैपेसिटर दिया हुआ है। हम इसका वायरिंग करके बताएंगे दोस्तों कैसे इसका वायरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों जो गया हुआ है ट्रांसफार्मर से गया हुआ है इंडोर यूनिट से फिर से और थर्मोस्टेट से होकर इधर आया हुआ है। वो वायर आता है दोस्तों, तो पहले वो वायर आप लोग देख पा रहे होंगे, तो ये देख पा रहे होंगे दोस्तों ये हमारा दो वायर गया हुआ है जो आउटडोर यूनिट में गया हुआ है। एक न्यूट्रल है और एक फेस है जो 24 वोल्ट गया हुआ है थर्मोस्टेट के लिए। देख पा रहे होंगे दोस्तों ये हमारा न्यूट्रल है जो ट्रांसफार्मर से गया हुआ है, ये इंडोर में गया है और कॉन्टेक्टर के लिए गया है, कॉन्टेक्टर का कॉइल को पुश कराने के लिए। 24 वोल्ट देने पर कॉन्टेक्टर पुश होता है दोस्तों, हमारा कॉन्टेक्टर भी 24 वोल्ट का है। तभी दोस्तों हमारा जो वाई आएगा थर्मोस्टेट जो छोड़ेगा वहाँ से सीपी, तो वाई होता है। वाई जब आएगा और दोस्तों तो पहले ये आप लोग देख पा रहे होंगे ये एलपी स्विच में जाएगा, एलपी स्विच से लूपिंग होके दोस्तों ये देख पा रहे होंगे लूपिंग है इसमें। ये लूपिंग एक इसमें सेफ्टी डिवाइस दिया हुआ है दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आप लोग, एक सेफ्टी डिवाइस है। ये सेफ्टी डिवाइस क्या काम करता है दोस्तों, ज़्यादा एम्पियर लेने पर कंप्रेसर का कुछ प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा भी तो कंप्रेसर को बंद कर देता है, ट्रिप कर जाएगा, इसके लिए सेफ्टी डिवाइस को लगाया जाता है। देख पा रहे होंगे लूपिंग किया हुआ है, उसके बाद एलपी स्विच से लूपिंग करके डिवाइस में लगाया हुआ है, उसमें से लूपिंग करके दोस्तों ये देख पा रहे होंगे ये सेफ्टी डिवाइस है दोस्तों। ज़्यादा एम्पियर लेने पे ट्रिप हो जाएगा, मशीन को बंद कर देगा, चलने नहीं देगा, यहाँ से लूपिंग करके लेके गया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ से लूपिंग होने के बाद ये गया है एचपी स्विच में, एचपी स्विच से आउट होके दोस्तों आप देख पा रहे होंगे आउट हो के ये हमारा ब्लैक वाला वायर जो एचपी स्विच का वायर है एक जो आउट हुआ है ये कॉन्टेक्टर में चला गया है दोस्तों। ये कॉन्टेक्टर को अभी 24 वोल्ट मिल गया तो वो पुश होके कंप्रेसर को और कंडेंसर फैन को ऑन कर देता है दोस्तों। इसमें जो हमारा कंडेंसर फैन लगा हुआ है वो डबल फेस का है दोस्तों, ये 415 वोल्ट का लगा हुआ है। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे एक आर में और एक ब्लू में वायर दिया हुआ है,
जो 440 वोल्ट का है, तो उस पर वर्क करता है दोस्तों। सिंगल फेस का मोटर नहीं है, इसमें कैपेसिटर लगा है। ये देख पा रहे होंगे दोस्तों, हीटर लगा है, हीटर भी है। ये डायरेक्ट हीटर है दोस्तों, ये हीटर में जैसे ही सप्लाई हम लोग चालू करेंगे हीटर वैसे ही चालू हो जाता है। हीटर जब तक मशीन ऑन रहेगा तब तक ही, और तब तक ऑन रहेगा, ये कंटिन्यू ऑन रहेगा। इंडोर भी ऑन रहेगा तो ये भी ऑन रहेगा। ये देख पा रहे होंगे कैपेसिटर दिया हुआ है। सिंगल फेस का मोटर नहीं है, डबल फेस का है तो भी कैपेसिटर रहता है दोस्तों। थ्री फेस का अगर कंडेंसर फैन रहता तो उसमें कैपेसिटर नहीं लगा रहता। आप लोग देख पा रहे होंगे ये हमारा कंडेंसर फैन का दो वायर गया हुआ है ऊपर से कंप्रेसर के साथ। ए आर वाई ब्लू ये तीनों कंप्रेसर के लिए गया हुआ है, और रेड और ब्लैक जो है वो कंडेंसर फैन के लिए गया हुआ है, जो 315 वोल्ट पे, सॉरी 415 वोल्ट पे चलता है, डबल फेस का है। कंप्रेसर चेक करना रहेगा तो दोस्तों एकदम आसानी से चेक कर सकते हैं। अभी हम आप लोग को कंप्रेसर को चेक करके दिखाते हैं दोस्तों, कैसे चेक कर सकते हैं एकदम आसान तरीक़ा से दोस्तों। तो आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, अभी हम कंप्रेसर को चेक करके बताते हैं। तो देख पा रहे होंगे कंटिन्यूटी बता रहा है और रेजिस्टेंस आ रहा है, तीनों में सेम सेम रेजिस्टेंस आना चाहिए दोस्तों। तो 1.3 आ रहा है, तीनों में बारी बारी चेक करेंगे दोस्तों तो 1.543 आ रहा है। तो तीनों में बारी बारी से हम लोग चेक किए दोस्तों, सही बता रहे हैं। उसको ग्राउंड चेक करेंगे दोस्तों, तो ग्राउंड किधर भी ऐसा थोड़ा सा स्क्रैच करके और चेक करेंगे तीनों टर्मिनल पर बारी बारी से। तो देख पा रहे होंगे दोस्तों, तीनों पे बारी बारी से चेक करेंगे तीनों टर्मिनल पर तो नहीं बता रहे दोस्तों। इसका मतलब ये हमारा कंप्रेसर सही है। ऐसे हम लोग आसानी से चेक कर सकते हैं कि हमारा कंप्रेसर सही है ख़राब है, थ्री फेस का कंप्रेसर। तो आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये कंडेंसर फैन का वायर का आप लोग को दिख रहा होगा दोस्तों, देख पा रहे होंगे उस पर भी लिखा है 440 वोल्ट। ये डबल फेस का, इसके लिए एक हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है दोस्तों। अगर सिंगल फेस का होता तो भी कैपेसिटर लगता दोस्तों, लेकिन थ्री फेस का रहता तो हमारा कैपेसिटर नहीं लगता दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए, नए दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी सीख सके, देख सके।